जनपद संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के हल्लूसराय हसनपुर मुजत्ता मार्ग के टीले के नज़दीक जल विभाग के प्लास्टिक के बंडलों में लगी भीषण आग आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। आसपास के लोगों ने संभल सदर कोतवाली पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची संभल सदर कोतवाली पुलिस, जहां दंगल की गाड़ियों के जरिए और साथ ही में जेसीबी की मदद से कुछ मंडलों को बचाया गया और साथ ही में करोड़ों रुपये का मंडल जलकर हुए खाक। भारी भीषण नुकसान के बाद आसपास के लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दंगल विभाग की कई गाड़ियां संभल सदर कोतवाली पुलिस के जरिए आग पर पाया गया काबू। आइए जानते स्थानीय। अच्छा, ये जो आग लगी क्या जगह है, ये किस चीज में आग लगी है? चमनका मंदिर हल्लूसराय। क्या हुआ था, ये कैसे आग लगी? ये हम रोजा खोल निपटा तो हमारे यहाँ के लोग ने फोन कराए, बोले तुम्हारे प्लांट में आग लग गई। हमारी मशीन चलती है यहाँ पे जेसीबी। अच्छा हाँ, तो उसने ये कहा कि तुम्हारे प्लांट में आग लग गई। उसे क्या पता बेचारे किसका, मजदूर आदमी था यहाँ इसका बराबर रखा। ये क्या किस चीज का प्लांट था, क्या था? जल निगम वालों का हर गाँव में टंकी लग रही है। अच्छा जी हाँ, उसके पाइपों में आग लगी। उसके पाइपों में किसी ने आग लगी, पेट्रोल में काम नाश हो गया साहब। कितनी देर लगी रही है ये? कम से कम लगी रही है 2 घंटे। आग दो ढाई घंटे हो गए। किस तरह से पाया गया इसमें आग को, कैसे आग बुझाई गई है? ये साहब तो 3-4 जेसीबी लगी और 3-4 ये मशीनें बुझाने वाली लगी। पूरा सैंपल का प्रशासन यही है और हजारों आदमी यही है। कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान तो करोड़ों का था। कैसे लगी है ये? ये तो नुकसान वही बता सकते हैं जो कंपनी वाला, कितना नुकसान है। कैसे लगी है ये, कुछ ये कुछ नहीं पता था कैसे लगी। ये सब सरकारी वाले क्या, जल विभाग का? अलग कंपनी है, जल निगम वालों। अच्छा, आप जाने वाली गाड़ी किस करने पा रही, वो देखो उसने पकड़ ली गाड़ी। फायर की गाड़ी, फायर वाली गाड़ी है, फायर की गाड़ी है। हाँ भाई साहब, फायर है यार, देखते क्या हो रही है। जितने बच सके वो तो बचा लो। लगी कहाँ से? देर से लगाई है मेरे पास, अभी कैसे पता नहीं चल पा रही है।